हेलो एवरीवन, दिस इज निर्मला एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल निर्मला फिजिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स, फॉर कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मिरर फार्मूला। व्हाई डज वी यूज मिरर फार्मूला? हमने पहले वाले लेक्चर में बात की थी U, V and F and R, okay? क्या था ये? U है हमारा the distance between mirror and object. V था हमारा the distance between mirror and pole का है, कह दीजिए आप, या mirror का pole से नापते हैं distance को, एंड इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर पोल एंड फोकस पॉइंट, या आप इसे बोल सकते हैं फोकल लेंथ। और ये था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा, जो हमारा ये होता है, ये तीन जने जो है हमारे, तीन लोग हैं, U, V and F, distance of object, distance of image and focal length, इनके बीच में एक रिलेशन होता है और वही रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। और उस मिरर फॉर्मूला के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू हमें पता हो और एक वैल्यू हमारी अननोन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस अननोन वैल्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज U और V हमें गिवन है, F वी हैव टू फाइंड F हमें फाइंड करना है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब ऐसे ही अगर हमारे पास V और F गिवन हो, ठीक है, तो हम U निकाल लेंगे, या फिर हमें F और U गिवन हो, हम V निकाल देंगे, ठीक है। और इसका बात करें तो देखिए बच्चों, ये तो ऑलरेडी R हमारा क्या है, F से रिलेटेड होता है। R इक्वल टू 2F, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स हमारा वन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर इनमें से हमारा एक भी वैल्यू पता, दो वैल्यू अगर पता है, इसकी वैल्यू अगर मैं कहीं से निकल गई, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इज, या आप ऐसे लिखिए, द मिरर फॉर्मूला relates U, V and F such that, इस तरह से देखिएगा, 1/F equal to 1/V plus 1/U। अभी बच्चों आप लेंस में आएंगे तो वहाँ पे हमारे पास लेंस फॉर्मूला होगा सेम ऐसे ही कुछ, 1/V माइनस 1/U लगा देंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर के लिए हमारे पास ये है, देखिए ये ड्राइव कहाँ से हो रखा है, ये एक डेरिवेशन होता है इसका, ठीक है। इससे आप कनकेव से कीजिए, कन्वेक्स से कीजिए, लेकिन ये आपकी क्लास में सिलेबस में नहीं होता, तो आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी क्लास 12th में हमारा फिजिक्स में ऑप्टिक्स आता है, 12th में, 11th में भी नहीं, तो वहाँ ये ड्राइव हो जाता है, तो वहाँ पर आप पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे आप, मिरर फॉर्मूला है हमारे पास जी, ठीक हो गया। अब क्या करना है, तो किसी भी मिरर की, देखिएगा कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो, उस कन्वेक्स मिरर की अगर हमारे पास कन्वेक्स या कनकेव मिरर का की फोकल लेंथ एफ हो, ऑब्जेक्ट हमारा यू डिस्टेंस पर हो, और इमेज हमारा कहीं पर वी डिस्टेंस पर बन रहा है, आगे बने या पीछे वो बात अलग है, ठीक है, वी डिस्टेंस पर बन रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये लगा देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या लिखेंगे आप जल्दी से? मैग्निफिकेशन, या लीनियर मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं आप इसे, हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज है बच्चों, देखिएगा आपके पास एक मिरर है, सपोज कनकेव और कन्वेक्स, कोई सा भी ले लिया,
ठीक है, हमारे पास ये है हमारा ऑब्जेक्ट एंड वी नो दैट ये कुछ हाइट होगी इसकी एच ओ, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज इसका जो इमेज है कुछ यहाँ पर बन रहा है, कुछ यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा ए डैश बी डैश, इसकी भी कुछ हाइट होगी, इसकी भी कुछ हाइट होगी। अब देखिएगा ये डिपेंड करता है कि हाइट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है या ये बड़ा है, वो हमारे पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अगर तो देखिएगा ये जो मैग्निफिकेशन है ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो हमारा इमेज है, जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना लंबा है या कितना छोटा है, कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है। सपोज एच ओ है हमारा 10 मीटर, एच ओ है हमारा 10 मीटर और एच आई जो इमेज है, इमेज की हाइट हमारी है 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर में ले लेते चलो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमें पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट से कितना गुना है कौन इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहता है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने डिवाइड देना है, कितना आ जाएगा 2/10, कितना आएगा 2/5 मीन्स 1/5 किसका, देखिएगा एच आई जो है हमारा 1/5 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट की हाइट का। या कभी हो सकता है कि इमेज हमारे पास 20 हो, है ना, तो 20 कितना आ जाएगा भाई 2 10 2 20, तो 2 गुना। तो हम ऐसा बोल सकते उस वक्त हमारा इमेज क्या है, बड़ा बनेगा, ठीक है। और साइन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। उल्टा इमेज बनता है तो आप माइनस लगा देंगे, सीधा बनेगा तो आप प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि मैग्नीफाइड मीन्स, मैग्नीफिकेशन मीन्स मैग्नीफाइड, कितना मैग्नीफाइड है, छोटा है या बड़ा है, दुगना है तिगुना है या 1/5 है, 1/2 है, ठीक है, 1/3 है, इस टाइप से। तो लिखेंगे जल्दी से, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर, मिरर इज द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एच आई टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये कनकेव मिरर हो या हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो, सब में हमारा यही चलता है, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे आप, ठीक हो गया। लिखेंगे, फॉर्मूला लिखिए इसका, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, बीचों बीच एक फॉर्मूला लिखेंगे डेफिनेशन लिखने के बाद, इक्वल टू डिनोट कर देते हैं इसको, देखिए एम से डिनोट करते हैं, इससे स्मॉल एम से, और ये होता है हमारा एच आई अपॉन एच ओ। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका, देखिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, वो है हमारा, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला जल्दी डालेंगे आप, एम इक्वल टू वी अपॉन यू माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। जल्दी से लिखिए, ठीक हो गया। जल्दी से न्यूमेरिकल नोट करेंगे, जल्दी से गोली की धार में, जल्दी देखिएगा। पढ़िए, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिएगा बच्चों, मैं आपको पहले कुछ टर्म्स समझा देती हूँ कि आपको क्या ट्रिक्स लगानी है। ये ट्रिक्स आप एक बार अपने दिमाग में क्लियर कर लेंगे बिल्कुल पिक्चर्स उसकी, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा, आपने पढ़ा था, ये केवल रूल है, आप कहीं पे नोट कर लीजिए इसको, इस आंसर में नहीं, इसके कहीं पे पेज में कहीं पे ऊपर से हाईलाइट कर देना। देखिएगा, सबको बताएं, जो हमारा कनकेव मिरर की बात करें, हम कनकेव मिरर की बात करें, इसको दिमाग में बैठा लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कि मेरी चेतावनी समझो या ऑर्डर कुछ भी समझिए इसे, ठीक है। देखिएगा, इसमें कनकेव मिरर में हमने जो 3-4 केसेस, कितने केस पढ़े थे हमने, 6 केस पढ़े थे आई थिंक, ठीक है। तो उस सारे केसेस में क्या था, एक इन्फिनिटी पे था, एक सी के बियॉन्ड था दूसरा केस, तीसरा था हमारा सी पर, 3, एक था हमारा बिटवीन द फोकस, एक था एट द फोकस, ठीक हो गया, कितने 1 2 3 4 5 6 या 6 केसेस थे वहाँ पर हमारे
ठीक है, उन सारे केसेस में हमने एक बात नोट की सारी इमेजेस हमारी कैसी बनती थी, उल्टी बनी, मीन्स इन्वर्टेड एंड रियल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। तो देखिए ये नीचे को बन रहा है, कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा है, और रियल इमेज हमेशा आगे बनती है। इट मीन्स जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होता है, फॉर कनकेव मिरर इज नेगेटिव, हमेशा लेफ्ट में रखा होता है, ठीक है। कनकेव में क्या होता है, वी भी क्या होता है हमारा, चार पांच केसेस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन एक केस ऐसा था हमारा जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे था, फोकस और पोल के बिटवीन में रखा था, बीच में रखा था, नहीं पर तब वहाँ पर हमारा जो इमेज था वो कुछ पीछे बन रहा था और थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, या सीधा और वर्चुअल बन रहा था, इरेक्ट एंड, ठीक है। तो ऑलवेज नेगेटिव, वी इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वन केस, इतने क्या कैसे एक्सेप्ट इन वन केस, केस व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि इमेज बहुत बड़ा बन रहा था और कैसा बन रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब क्या था, नेगेटिव तो आप पहचान लेंगे बच्चों, जैसे ही आप उसने बोला कंकेव मिरर है तो आप हमेशा वी को क्या लेना, नेगेटिव लेना। अब उसने आपको फोक, देखिए यू दिया होगा, वी और एफ, इन तीनों में से कोई दो तो जरूर दिए होंगे आपको, सुनिएगा मेरी बात को, कैसे पता लगाएं कि नेगेटिव पॉजिटिव कब ले, समझ रहे हैं, जब हमारा यहाँ पर और यहाँ पर होगा तो इस केस में क्या लेना, वी को पॉजिटिव लेना, कैसे पता लगे भाई, ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, कि आपको दिया हो ना दिया आपने पता लगाना है, ठीक है। वी और एफ की बात करते हैं, उसने एफ आपको या तो एफ गिवन होगा या तो वी गिवन होगा, या फिर एफ फाइंड करना हो या वी गिवन हो, या वी फाइंड करना हो एफ गिवन हो, ठीक है। एफ अगर गिवन है तो वैल्यूज तो आपको पॉजिटिव में दी होंगी, लेकिन आपको खुद उसमें नेगेटिव लगा देना, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा कंकेव मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कहाँ पर होती है, हमेशा इस तरफ को होती है, नहीं होती है, ऐसे होता कुछ, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होगी। अब फोकल लेंथ मान लेते हैं बच्चों, उसने 20 दिया और उसने बोला कि ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पर रखा है, 5 सेंटीमीटर पर, तो समझ जाना पोल और कहाँ पर रखा है, फोकस के बीच में रखा है, या उसने बोल दिया 7 सेंटीमीटर, अभी भी देखो 20 से कम है फोकस, 7 सेंटीमीटर जो यू है वो 20 से कम है, मीन्स फोकस और पोल के बीच में रखा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना, ठीक है। एफ बी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ थी वो लेफ्ट साइड में बिलोंग करती है, ठीक है। बात करते हैं अगर, ये तो था किसके लिए, फॉर कनकेव के लिए, कनकेव, ठीक है। कन्वेक्स की बात करते हैं, तो कन्वेक्स में देखिएगा हमने केवल दो केसेस पढ़े थे, है ना, दो केस पढ़े थे, उन दोनों केस में यू तो भाई ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे वो हमारा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है। वी की बात करें अगर, तो हमारा जो इमेज था वो कैसा बन रहा था, इरेक्ट और वर्चुअल था भाई, हमेशा पीछे बन रहा था और सीधा बना दोनों केसेस में, तो वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट में बना है भाई पोल के, है ना, ठीक है। और फोकस भी क्या कहाँ होता है इसका, अंदर की ओर फोकस होता है, कर्व ने ऐसे कहाँ को आ रही है, इधर को आ रही है, तो फोकस भी पॉजिटिव होगा। देखिए इधर की बात करें अगर, ये कनकेव की बात करते हैं अगर एक बार और, कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में जो एच आई होगा, चार पाँच केसेस में एच आई हमारा कैसा होगा, रियल था तो नेगेटिव लिया जाएगा, लेकिन इस केस में जहाँ पे वी पॉजिटिव है और एच आई कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि सीधा बनता है और पीछे बनता है, तो मैग्नीफाइड ना ठीक होगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, इमेज हमेशा सीधा बनता है तो पॉजिटिव हमारा इमेज लिया जाए, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेंगे आप लोग, है ना, न्यूमेरिकल करते समय हमारे काम आएंगे। चल जिसे छापिए इसको, फिर मैं क्वेश्चन आपको लिखाती हूँ, ठीक है। बस जल्दी से पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, जल्दी से क्या है हमारे कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना, देखिए आप कंकेव मिरर है, ठीक है, ये बात नोट की आपने, फोकल लेंथ कितनी है, एफ 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला था सारी वैल्यूज पॉजिटिव दी जाएंगी, मैग्नीट्यूड दिया जाएगा उसका, ठीक है, आपको नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं दिया होगा तो आपको खुद लगाना है। बताइए कंकेव मिरर के लिए फोकस कैसा था, कंकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, रटना नहीं है आपको, बस ये देखना कि कर्वनेस इधर को आ रही है तो पॉजिटिव हमारा इस तरफ को, सॉरी इधर को होगा, नेगेटिव लिया जाएगा लेफ्ट में,
इज इट क्लियर? ये तो फोकल लेंथ हमारी माइनस 20 सेंटीमीटर. फॉर्म्स आर रियल इमेज, इसने बोल भी दिया, वैसे तो आपको पता होना चाहिए रियल इमेज बनता है. रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. देखिएगा जी, ध्यान से देखिए, आपको गिवन क्या है, रियल इमेज बनाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना. मीन्स कौन सा डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है या फिर इमेज की? रियल इमेज एट अ डिस्टेंस मीन्स आपको वी दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर. अब सिंस इमेज इज रियल, रियल इमेज है, साइड पर रीजन लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे चलेगा. रियल इमेज है इस वजह से ये कैसा होगा, रियल इमेज हमेशा हमारा आगे बनता है, उल्टा बनता है. तो क्या सर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जरूर आएगा. समझ गए? ठीक है. अब दूसरा देखिएगा, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की पोजिशन आपको फाइंड करनी है, मीन्स यू आपको फाइंड करना है. बहुत सिंपल बच्चों, जैसा आपने ये पहचान लिया तो आपने फॉर्मूला तो कर ही लेना, ये पूरा फॉर्मूला आके सॉल्व आप कर ही लेंगे ना. क्योंकि कैलकुलेशन आप सबकी बहुत अच्छी है आई थिंक, नहीं है तो उसे सुधारिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए. वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी, मिरर फॉर्मूला लिखना अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला. ठीक है, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइन प्लस वन अपॉन यू. वी की वैल्यू हमारी कितनी, देखिएगा कैसे रखना है वैल्यूज, माइनस 40 प्लस वन अपॉन यू हमको नहीं पता, एफ हमें पता है, माइनस वन अपॉन 20. अरे इंक खत्म हो गई है, मार्केट से लाना पड़ेगा. देखिएगा माइनस वन अपॉन 20, ये प्लस माइनस, माइनस होता है माइनस वन अपॉन 40 प्लस वन अपॉन यू, है ना. अब एक चीज़ आप बचपन से करते आ रहे हैं, क्या इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो इसको यहीं पर रखना है ना. तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन यू, ये हो जाएगा हमारा ये माइनस का, इधर आके प्लस में आ जाएगा वन अपॉन 40, ये माइनस का, इसको ऐसे रहने देंगे, है ना. जल्दी से एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को. दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है ऊपर करते हैं. चलो साइड पर लिख लेंगे आप इसे रियल इमेज. यहाँ पे देखिए बच्चों, वन अपॉन 40 प्लस में हो गया, माइनस वन अपॉन 20 इक्वल टू वन अपॉन यू. तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 40 आएगा, क्योंकि 40 20 की टेबल में, ठीक है. तो कितना आएगा, 40 वन इंटू वन वन, 20 की टेबल में 40 कितने बार है, 20 टू 40 टू वन जाए टू, वन अपॉन यू, वन माइनस माइनस वन अपॉन 40 वन अपॉन यू. आपको यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर भगाइए, इसको इधर भगाइए, लो सो सिंपल. 40 आपको यू की वैल्यू चाहिए ना कि माइनस यू की, तो यू इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर. That is answer. और देखिएगा बच्चों, u की वैल्यू माइनस आ रही है, अगर आपको गिवन है तो आप माइनस लगाएंगे, और अगर नहीं है आपको फाइंड करनी है तो आपको ये कंफर्म करना है कि लास्ट में आंसर u में साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है. और अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा आपका आंसर गलत है, तो दोबारा चेक कर लेंगे, ठीक है. जल्दी से कीजिए, इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे पहुँचते हैं. पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए. क्यों कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी नहीं. देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर. इफ अ ट्रक इज लोकेटेड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन. देखिए बच्चों, बहुत ईजी बच्चों, जैसा क्वेश्चन जैसा पहला था वैसे ही बिल्कुल ये भी. कन्वेक्स मिरर सबको पता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, बस कार स्कूटर स्कूटी, ठीक है. देखिएगा एक कन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है, एक कन्वेक्स मिरर है. अब यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला इसमें, नहीं कैपिटल आर गिवन है, कितना 3 मीटर. अब आपको ये पता लगाना है भी कन्वेक्स मिरर तो कुछ ऐसा होता है, तो बताइए कर्व इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ को होगा, अंदर होगा नहीं होगा, कन्वेक्स आपको आ रही है ना, सेंटर से डिस्टेंस होती थी पोल की, उसका फिर मिड पॉइंट हमारा एफ होता है, तो हाफ हाफ कर देंगे. मीन्स आपको फोकस ले रखा है, तो आपने माइनस लेना है प्लस लेना, आपने प्लस लेना है,
बिकॉज कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, राइट में होता है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखिएगा, तो हमारे पास एफ निकलेगा, बिकॉज एफ इक्वल टू आर अपॉन टू होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो आर अपॉन टू बोले तो थ्री अपॉन टू मीटर, ठीक है, सारी की सारी डिस्टेंसेस एक ही उसमें होनी चाहिए, ये आप श्योर कर लेंगे, ठीक है। इसको आप फाइव मीटर है, सॉरी फाइव सेंटीमीटर नहीं, मीटर में, अगर सेंटीमीटर में होगा तो फिर मीटर में चेंज करेंगे आप। इफ अ ट्रक इज लोकेटेड 5 meter away from this meter, अब एक ट्रक है, देखिए ये मेरी स्कूटी है, ये मेरा सीसा है, मेरे से आगे है ना, ट्रक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती, तो समझ लीजिए यहाँ पर हमारा 5 centimeter की डिस्टेंस पर एक क्या रखा है, ट्रक रखा है, एक ट्रक खड़ा है, मतलब आ रहा है उस मीटर को, कितनी डिस्टेंस पर, 5, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 meter, ऑलवेज नेगेटिव है ना, क्यों हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज ऑफ इट्स मैग्निफिक एंड इट्स मैग्निफिकेशन, हमें जो ये ट्रक की इमेज बन रही है इसके अंदर कैसी बनती है, सीधी बनती है और इरेक्ट मीन्स मिरर के पीछे बनती है, ऐसा मत नहीं रोड के आगे बन गई, मिरर के अंदर मिरर के पीछे बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो वी की वैल्यू में फाइंड करनी है, उसका नेचर फाइंड करना है कि वो वर्चुअल इरेक्ट है, ये भी आपको सबको पता है वर्चुअल इरेक्ट होगा, फिर भी हम वी के अकॉर्डिंग पता लगा लेंगे कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वैसे तो पॉजिटिव आएगा। फाइंड स्मॉल वी, अगेन टेक मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कहता है बच्चों, वन अपॉन वी, सॉरी वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए इसमें, एफ इक्वल टू है हमारा 3/2, देखो इसको सॉल्व कर लो, 2 1 2 है ना, 2 1 2 3, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा 2 5 10 meter, वैसे तो नहीं रखोगे तो अच्छा रहेगा, मत रखो बेकार है ना। एफ की वैल्यू अपने आप दी कितनी, 3/2, बच्चे मार्क की इंक खत्म हो गई है, मुझे लग रहा है कि हमें डिस्टर्ब ना करें, 1/3/2 इक्वल टू 1/V कितना है हमारा, वी हमें फाइंड करना है, प्लस प्लस होता है हाँ, यू कितना है -5, देखिएगा जल्दी से नोट करो, पहले से इतना नोट करो, मैं ऊपर का रफ करते हैं, फिर क्या कभी हम देखियो, ये ऊपर जाएगा, 2 है जो हमारा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 1/5 1/V, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 5 कितना होगा इसका, 15 आएगा, 3 5 15, 5 2 10, पता है सबको 3 की टेबल में 15 कितने बार आता है, 5, तो आपने लिखना है यहाँ पे 5 और इसके ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 5 की टेबल में 15, 5 3 15 इंटू ऊपर जो नंबर है इसके 1 इक्वल टू 1/V, 5 2 10 प्लस 3 1 3/15 इक्वल टू 1/V, फिर से 10 13/15 इक्वल टू 1/V, बट वी हैव टू फाइंड स्मॉल v, स्मॉल v की वैल्यू के लिए आपने क्या किया, इसको भी यहाँ से इधर भेज दिया और ये रिवर्स हो जाएगा 15/13, दैट इज आंसर। अब आपको तो आप देखिएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है ना इसमें, इट मीन्स इमेज कैसे होगा, इमेज कहाँ बना है, पीछे बना है, पॉजिटिव तो तभी होता है भाई जब हमारी इमेज यहाँ बनती है, मेरे पास समझ में आई, इमेज जब पीछे बनती है तभी हमारा वी पॉजिटिव आएगा, तो आप लिखेंगे जल्दी से पोजीशन, तो ये होगी पोजीशन, पोजीशन का मतलब ही वही है वी, पोजीशन इक्वल टू इतनी लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अभी हमें एक क्वेश्चन और करना है, ये हमारा खत्म नहीं हुआ है, खुश ना हो बिल्कुल भी, बात करते हैं हम किसकी, हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना था हमें, इसी के क्वेश्चन में आप लिख लेंगे आप एम के क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है। एम इक्वल टू क्या था, देखिएगा दो फॉर्मूले थे हमारे पास, HIA/HO, बट अभी हमको ये गिवन ही नहीं है, हमें ना ऑब्जेक्ट का साइज है ना हमारे पास इमेज का साइज है,
ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कुछ बताया था, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, देखिएगा ये माइनस का फॉर्मूला तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, बाकी वी का फॉर्मूला जो हमको गिवन है वही लगाएंगे, और यू का क्वेश्चन फॉर्मूला जो होता है माइनस वी की वैल्यू हमारे पास 50/3 13। ठीक है, यू का यू की वैल्यू हमारे पास -5, तो ये -5 आप लगाएंगे जरूर, -5 देखिए कैंसिल। ओहो ये कर दिया था सबने, वीडियो थोड़ी सी वो कीजिए और फिर देखिए, देख के करो उसे। 15/3 ये 15/13 ये चीज़ यहाँ पे आती है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 3 15, तो 3/13 इट मीन्स जो मैग्निफिकेशन है, जो मैग्निफिकेशन है बच्चों वो हमारा 3/13। और इससे पता लग रहा है हमें, देखो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ ये तो है HI/HO, मतलब जो हमारा इमेज है वो HO का कुछ इतना टाइम्स है, इतना टाइम्स इसको यहाँ भेजेंगे तो ठीक है। और कैसा आ रहा है HI कैसा है? पॉजिटिव है, जहाँ पर भी मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आए तो समझ लीजिए इमेज सीधा बना है, और अगर पॉजिटिव ना आकर नेगेटिव आए समझ लीजिएगा उल्टा बना है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करिए। जल्दी से देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी देखिएगा। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कंकेव मिरर, अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है कितनी, एच ओ कहते थे कितनी, 1 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव होती है ना, ठीक है। इस प्लेस ऑन द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कंकेव मिरर, ठीक है, कंकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर आगे, मीन्स 15 सेंटीमीटर आगे ही होता ऑब्जेक्ट, तो माइनस लगेंगे। ओके, या आप ऐसा नहीं कीजिए क्योंकि वो सब हो जा रहा है, यू इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ आपको देखिए, कंकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, वी नो दैट द फोकस ऑफ कंकेव मिरर लाइज बिफोर द मिरर, तो एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द पोजिशन नेचर, पोजिशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है मीन्स इरेक्ट या वर्चुअल, वो वहाँ पर भी आपने लिखा, हाँ वहाँ पर जो पहले वाले क्वेश्चन में लिख लीजिएगा नेचर इक्वल टू ऐसे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है आपको, एम फाइंड करना है, एंड साइज ऑफ द इमेज मीन्स HI आपको फाइंड करना है। ये तीन चीज़ आपको फाइंड करनी है, चार, नेचर भी बता, नेचर तो पता लग ही जाएगा जब वी और एम पता लग गया है ना। देखिएगा कैसे करना है, सिंस वी फाइंड करना है पहले, तो देखिए यू एफ गिवन है, वी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, 1/F = 1/V + 1/U। एफ है हमारा कितना, 1/10, वी हमको फाइंड करना है प्लस यू की वैल्यू हमारे पास -15, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए -1/10 1/V प्लस -1/15, 1/V की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करा आपने, इसको इधर बना दो, अभी माइनस के इधर के प्लस में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अभी, इसकी वैल्यू फाइंड करिए, इसमें आएगा आपका 30, इसका क्या आएगा, एलसीएम। कैसे करता है एलसीएम फाइंड करना है अगर, जल्दी से देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा है, जो हमारा अकाउंट में है डिनोमिनेटर है, हर है जो हमारे इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, इनमें जो बड़ा है नंबर है उसका टेबल पढ़ता है। पहले टेबल देखिए आपने 15 बन जाए 15, क्या 10 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता, 15 2 जा 30, क्या 10 की टेबल में 30 आता है, हाँ, तो जो जस्ट बाद वाला है वो 30 हमारा हो जाएगा, इसको चेक भी कर लोगे आप एक बार, है ना, 15 बन जाए 15 2 जा 30 2 बन जा 2, 10 3 जा 30 3 बन जा 3, तो 1/V। एंड जल्दी देखिए पहले, मैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं देख लूँ पहले, दिख रहा है बस जस्ट हो गया, ये कितना है यहाँ पहुँच जाना है ना, यहाँ पहुँच जाते हैं, कितना है ये जगह 2 - 3 - 1/30, ये जगह 1/V, वी की वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ भेजिए इसको वहाँ भेजिए, वी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर, ठीक है, वी निकल गया आपका। अब आपको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन के लिए मैंने बताया था आपको दो फॉर्मूला है HI / HO, बट
एच आई एच ओ तो गिवन है लेकिन एच आई नहीं है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी तो था भाई हमारे पास, क्या था, माइनस वी अपॉन यू एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी एंड यू, माइनस वी की वैल्यू हमारे पास माइनस 30। देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है, जो हमारा ऑलरेडी माइनस है वो तो हमें सब्सटीट्यूट करना ही करना है। यू कितना है, माइनस 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचा हमारे पास -30, ठीक है। रेशियो का कोई भी क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन आ गया, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द इमेज। दूसरी तरफ जाएंगे, अगेन टेकिंग एम इक्वल टू, क्या था, यहाँ पहुँचना बच्चों, हाँ जी यहीं से कर लेते हैं। एच आई अपॉन एच ओ होता है, एम है हमारे पास -30, एच हाई हमें फाइंड करना है, एच ओ हमारे पास है +1। एच आई कितना आ जाएगा, एच आई हो जाएगा हमारे पास -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज कैसा है, उल्टा है भाई, उल्टा नीचे को, ठीक है, उल्टा है। तो भाई नेचर डाल दीजिए आप, दो तीन आंसर जो आगे अपने आंसर को हाईलाइट करना है भाई, क्योंकि टीचर रिस्क मत लेना, मतलब अगर टीचर को हाईलाइट नहीं हुआ उसने मार्क्स नहीं देगा फिर। नेचर कितना होगा, नेचर ऑफ पोजिशन ये है, मैग्निफिकेशन ये है, हाइट ऑफ द इमेज ये है, हमारी नेचर होगी हमारी इसकी वर्चुअल, नहीं ये वर्चुअल होगा नहीं। वी कैसा है, नेगेटिव है, मीन्स आगे है, तो रियल एंड इनवर्टेड उल्टा है, ठीक है, दैट इज आंसर। तो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है, जल्दी से देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कंकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से कीजिए, टेक्स्ट बुक से कीजिए, एनसीईआरटी से कीजिए। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है वो मुझे कमेंट में सेंड कर देंगे, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर नया कोर्स बनाएंगे उसमें समझाते रहूंगी। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड। द इमेज फॉर्म्ड बाय कंकेव मिरर इज हाफ, देखिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय कंकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज का आधा है, कौन, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ है। ऐसा होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं मैं आपको, एच आई हम नेगेटिव लें कि पॉजिटिव, ये बात अब देखिएगा। जो हमारा बच्चों कंकेव मिरर में सिर्फ एक केस होता है, जहां पर इमेज कैसा होता है, पीछे बिहाइंड द मिरर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, मैग्निफाइड बनता है, बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो सब छोटे होते हैं और आगे बनते हैं। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर हाफ है तो भाई ये एच ओ का जो इमेज है, वो हाफ है ऑब्जेक्ट से, मतलब छोटा है, तो पीछे तो भाई बनेगा नहीं, है ना। इट मीन्स इमेज इज रियल, है ना, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड लिख लेंगे पूरा। तो भाई आपको खुद ही यहाँ पर क्या लगाना है, नेगेटिव साइन खुद लगा देंगे आप, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना, इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्योंकि आधी है, छोटी इमेज है, हमेशा आगे बनती है किसमें, कंकेव मिरर में, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यू इक्वल टू आपको गिवन है -10 सेंटीमीटर मिरर से इतनी डिस्टेंस पर, वेयर इज द इमेज फाउंड, मीन्स आपको फाइंड करना है वी की वैल्यू, इज इट क्लियर, ओके। लेट्स सी, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज एच आई अपॉन एच ओ, ऐसा होता था, ठीक है। तो एच आई की वैल्यू आपने पुट करनी कितनी है, -1/2 एच ओ अपॉन में आ गया एच ओ से एच ओ कैंसिल, एम इक्वल टू बचा आपके पास -1/2। आपको मैग्निफिकेशन फाइंड नहीं करना है, बट ये काम आएगा, कैसे काम आएगा देखिए, अगेन ऑल्सो लगा लेंगे सीधा, ऑल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, कुछ नहीं जानते, बुक्स झूठ बोलती हैं, कि वी नो दैट करती है ना। एम इक्वल टू क्या होता है, -V/U, एम कितना है -1/2, -V कितना है, वी हमको फाइंड करना है, यू हमारे पास गिवन है कितना, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड वी बचा आपके पास 1/2 × 10, 2×5 = 10, तो वी आ गया आपके पास 5, कितना, माइनस का 5 सेंटीमीटर, एंड दैट इज आंसर।
और देखिएगा माइनस से पता लग रहा है कि इमेज हमारा आंखें पर है। जल्दी से छापिए इसे। ठीक है बच्चों, इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पर, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप क्या करेंगे, आज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलेगा, उसके पीछे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड। ठीक है, या फिर आपके बेस वो बीच बीच में भी क्वेश्चन दिए होते हैं न्यूमेरिकल्स, किसके, कन्वेक्स मिरर के, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के, ये मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड। और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चिपका देंगे नीचे से। ठीक है, मैं उसको अगले टॉपिक में आपको ये कराती रहूँगी साथ साथ। अब हम क्या करेंगे, कल से हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन का हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, बचा है हमारे पास एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा, दो तीन दिन में हमारा साफ। ओके, थैंक यू सो मच।